नमस्कार, जय हिंद। एसआरजे क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं प्रवीण शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अंग्रेजों ने बंगाल जीत लिया था और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में इस तरह का कुछ माहौल बन गया कि बंगाल, अवध और दिल्ली तीनों जगह की सेना एक साथ मिलकर भी अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर पाई बिल्कुल भी। अब क्या होता है, अंग्रेज अब बक्सर के युद्ध से बंगाल को तो पूरी तरीके से जीत चुके हैं और एक वैध तरीके से बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों जगह की दीवानी भी प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन अब जो इनका अंग्रेजों का उस समय मुखिया होता है बंगाल में, रॉबर्ट क्लाइव, उसके मन में आता है कि देखो भाई, बंगाल तो हमारा हो गया, अब अगर हम ही पूरा क्या बोलते हैं राजस्व से संबंधित चीजें सारी चीजें हम देखेंगे और अगर प्रशासन की भी सारी चीजें हम देखेंगे, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जो काम है वो हम करेंगे, तो ऐसे में कैसे चलेगा। मतलब क्योंकि अंग्रेज तो भाई थे लालची प्रवृत्ति के लोग, उनको तो सिर्फ और सिर्फ मतलब था पैसे से। अब पैसा कैसे आएगा, तो उनको सिर्फ और सिर्फ राजस्व चाहिए था जिससे उनको सिर्फ और सिर्फ जो है वित्तीय रूप से, आर्थिक रूप से वो सुदृढ़ बन सके। लेकिन उनको एक ऐसा आदमी चाहिए था जो वहां का नवाब बनके बाकी जो प्रशासन का काम है उसको वो कर सके। तो इसी अवधारणा से एक जन्म होता है द्वैत शासन का। द्वैत शासन एक ऐसी अवधारणा थी जिसमें मतलब देखो एक राज्य है, ठीक, उस राज्य का कुछ जो विभाग है, जैसे अपना छत्तीसगढ़ एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, अपना छत्तीसगढ़ राज्य है जिसमें एक सरकार बनी है भाजपा की लेकिन वो पूरे विभाग को, कांग्रेस की लेकिन वो पूरे विभाग को नहीं देख पा रही है। तो ऐसा क्या होगा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों के कुछ कुछ लोग मिल जाएं और मिलने के बाद कुछ विभाग को भाजपा देखे, कुछ विभाग को कांग्रेस देखे। इस तरीके का एक सिस्टम डेवलप हुआ था। चलिए आइए देखते हैं फिलहाल को। तो हम पढ़ने वाले हैं बंगाल में द्वैध शासन, डायर्की सिस्टम कहा जाता है इसको, है ना, द्वैध शासन। तो बंगाल में द्वैध शासन को पढ़ने से पहले वहां की थोड़ी सी परिस्थितियां अगर हम देखें तो 1764 बक्सर का युद्ध अंग्रेज जीत चुके हैं। अब बक्सर का युद्ध जीतने के बाद भाई मैंने बताया ना कि किस तरीके से अंग्रेज सोचते हैं कि भाई दोनों चीजें तो हम नहीं देख पाएंगे, तो अब इनको तलाश है एक ऐसे व्यक्ति की जो नवाब बन सके। तो अब क्लाइव सोचता है कि किसको नवाब बनाया जाए। तो क्लाइव के मन में सबसे पहला नाम जो आता है वो होता है मीर जाफर का। इससे पहले मीर जाफर था ना, उसके बाद वो अंग्रेजों के अगेंस्ट आ गया तो उसको हटा दिया गया था। तो अब क्लाइव सोचता है कि देखो भाई, उस समय तो डच थे तो थोड़ा सा उसको हिम्मत मिल गई थी हमारे अगेंस्ट आने की, लेकिन अब कहां से हिम्मत आएगी उसके अंदर, अब हम तो इतना बड़ा युद्ध भी जीत चुके हैं। तो क्लाइव सीधे संपर्क करता है मीर जाफर से और मीर जाफर को जाके बोलता है कि देख भाई, पिछली बार हमने तुमको मौका दिया था लेकिन तुम हमारी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे थे, लेकिन इस बार ऐसा किया ना तो फिर ठोक देंगे सीधा, समझ रहे हैं। तो इस तरह से मीर जाफर को डरा धमका के जो क्लाइव है वो कन्विंस कर लेता है वहां का नवाब बनने के लिए, क्योंकि नवाब बनने के लिए भी उनको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उनके ही इशारों पर काम करे, उनके अगेंस्ट जाकर, जैसे मीर कासिम ने काम किया था, मीर जाफर ने भी काम किया था, तो इस तरह से उनके अगेंस्ट जाकर काम ना करे, उनके हिसाब से ही पूरा काम करे, ऐसा टाइप का व्यक्ति चाहिए था। तो इस तरह से फाइनली फिर 1764 में मीर जाफर पुनः एक बार बंगाल का नवाब बनता है। ठीक, यहां तक की बातें क्लियर। अब मीर जाफर नवाब बन गया है, लेकिन अब बात आती है शासन व्यवस्था को चलाने की। तो शासन व्यवस्था को चलाने की जब बात आती है तो 1765 में क्लाइव के द्वारा एक नई शासन पद्धति का जन्म होता है जिसका नाम होता है द्वैध शासन। ठीक, नाम से स्पष्ट है द्वैध, अर्थात दो तरीके का शासन एक साथ, दो लोगों का शासन एक साथ, किसी एक जगह पे कुछ विभाग कोई एक संस्था देख रही है और किसी और विभाग को कोई और एक संस्था देख रही है, इस तरह से। तो द्वैध शासन जो है
मतलब दो लोग मिलकर शासन करेंगे यहां पर, ठीक है। एक प्रकार का जो विभाग थे, मतलब एक प्रकार की जो चीजें थी, उसको कहा जाता था दीवानी, अर्थात ये सारा पैसा से संबंधित विभाग थे। और उसके बाद दूसरा जो होता था वो था निजामत, निजामत, ठीक। दीवानी था कंपनी के नियंत्रण में और निजामत थी नवाब के नियंत्रण में। कंपनी के अंतर्गत आते थे राजस्व, दीवानी, न्याय, व्यापार, इस तरीके के विभाग जो है कंपनी के अंतर्गत आते थे। और नवाब के अंतर्गत आते थे लॉ एंड ऑर्डर, और उसके बाद आ गया आंतरिक शांति, सामान्य प्रशासन, ये आप नोट कर लेंगे, है। इस तरह के विभाग आते थे। तो यहां पर स्पष्ट हो रहा है, देखिए, दीवानी जो चीजें थी वो क्लाइक अर्थात अंग्रेज देखते थे, और निजामा जो था वो नवाब देखता था। इसका मतलब क्या होता है, अब समझते हैं इसको। लिख तो लिया होगा आप सब लोगों ने इसको, अब समझते हैं। पैसे से संबंधित जो भी चीजें राज्य में होंगी उनको डिसाइड करेगा कौन, क्लाइव अर्थात अंग्रेज। और पैसे को छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें हैं, सामान्य प्रशासन है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, लोगों की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है, तो ये सारी चीजें जो है नियंत्रण में रहेगी नवाब के। अर्थात नवाब क्या करेगा, हर चीज के लिए योजना तो बनाएगा, लेकिन उस योजना के लिए चाहिए क्या हमको, पैसे। और पैसे जो है अंग्रेज देंगे, अर्थात संपूर्ण शासन पर नियंत्रण अंग्रेजों का होगा परोक्ष रूप से, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कुछ चीजों पर नवाब का नियंत्रण दे दिया जाता है। अल्टीमेटली इनका दिमाग देखिए कि किस तरह का दिमाग था ये, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। अब अगर इसको थोड़ा सा हम एक सिस्टमेटिक शब्दों में देखें, तो सत्ता प्लस उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व दोनों को अलग किया गया, अलग। देखिए अब इसको समझिएगा, है ना, सत्ता और उत्तरदायित्व को अलग किया गया, इसका क्या मतलब होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, एक जिले का जो कलेक्टर होता है, जो डीएम होता है, पूरा जिला उसके नियंत्रण में होता है, अर्थात उसके पास सत्ता होती है उस जिले की। उस जिले में कलेक्टर अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकता है, सत्ता है कलेक्टर के पास। लेकिन वहीं पे उस कलेक्टर का उत्तरदायित्व भी है कि उस जिले में सारी चीजों को प्रॉपर वे में मेंटेन करके रखे। और वैसा ही देखिए, यहां पर सारी सत्ता जो है वो तो अंग्रेजों के हाथ में है, क्योंकि सीधे सीधे वित्त अंग्रेजों के हाथ में है, मतलब सारी चीजें इसके हाथ में है। और वहीं सारा जो उत्तरदायित्व है ये नवाब के हाथ में है। तो यही स्पष्ट होता है कि सत्ता, जिसके पास सत्ता होती है उसी के पास उत्तरदायित्व होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है, सत्ता किसी और के पास है, उत्तरदायित्व किसी और के पास है। इस तरह से सत्ता और उत्तरदायित्व को पृथक कर दिया गया, अलग कर दिया गया, ठीक। यहां तक की बातें क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये जो द्वैध शासन था ना, इसको एक जाने माने व्यक्ति थे भारत के, आगे हम जब पढ़ेंगे तो इनके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ने को आएंगी, के एम पणिक्कर, इन्होंने द्वैध शासन को डाकू राज की संज्ञा दी है, ये पूछा जाता है, ठीक है, ये वन लाइनर फैक्ट के रूप में पूछा जाता है ये। वहीं नवाब जो था ना बंगाल का, नवाब तो अभी तो मीर जाफर को नवाब बना दिया गया है, लेकिन इसके बाद तीन नवाब और होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक हो जाएगा नजमुद्दौला, दूसरा हो जाएगा सैफुद्दौला, और तीसरा हो जाएगा मुबारकुद्दौला। इस तरह से इसको बताने का उद्देश्य ये सब नाम हमारे काम के तो नहीं है, लेकिन अंतिम नवाब पूछेगा तो मुबारक उद्दौला ये लगाइएगा आप, ठीक है। ये तो थे वन लाइनर चीजें। अब थोड़ा सा अगर हम चर्चा करें इस द्वैत शासन के प्रभाव पर, इसका क्या अफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, प्रभाव तो पहले नंबर पर तो आ जाएगा कि भारतीय व्यापार पूर्ण रूप से खत्म हो गया।
अब ये कैसे? तो देखिए, वित्त पर अंग्रेजों का हक है और वित्त से संबंधित जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अंग्रेज ही बनाते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या कि अपने व्यापार को इतना ज्यादा प्रमोट किया कि अल्टीमेटली भारत में जो भारतीय लोगों का जो व्यापार था बंगाल में वो पूर्ण रूप से ठप हो गया। दूसरा, किसानों की स्थिति खराब हो गई। किसानों की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई कि दो दो बड़ी बड़ी नदियों के दोआब पर स्थित रहने के बावजूद 1770 में बंगाल को घोर अकाल का सामना करना पड़ा। 1770 में बंगाल को बहुत भीषण अकाल का जो है सामना करना पड़ा। ठीक, अब देखते हैं, ये सारी चीजें हुई। अब भारत में, मतलब बंगाल में, जो लॉ एंड ऑर्डर था वो पूर्ण रूप से लगभग गड़बड़ा गया, पूरी पूरी व्यवस्था गड़बड़ा गई, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे अपने तरीके से, नवाब करना चाहता था अपने तरीके से, और दोनों के मध्य जब एक तालमेल नहीं बैठता है, समन्वय नहीं बैठता है ना, तो फिर उसका सीधा सा प्रभाव जो है वो जनता पर पड़ता है। तो इस तरह से ऊपर में बैठे हुए लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वहां की जनता जो है वो पूर्ण रूप से दब चुकी थी उस समय तक। ठीक, अब देखते हैं कि इसको खत्म कौन किया फाइनली। फिर तो खत्म किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। हेस्टिंग्स ने 1772 में इस व्यवस्था को खत्म किया था। ठीक है, ये चीज आप रखिएगा, याद रखिएगा, है ना। अब बंगाल के गवर्नरों की अगर हम बात करें, गवर्नर तो अभी फिलहाल जो इस समय के हैं उन चार लोगों के बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो था क्लाइव। क्लाइव दो बार गवर्नर रहा है बंगाल का, याद रखिएगा, 1757 से 60, इसके बाद 65 से 67। ठीक, क्लाइव के बाद आता है वेंसिटार्ट। वेंसिटार्ट वेंसिटार्ट जो था ये था 60 से 65। इसके बाद आता है वर्लेस्ट। वर्लेस्ट वर्लेस्ट था 67 से 68। ठीक है, और कर्टियर, कर्टियर था 69 से, सॉरी ये 69 है ना, 69 से 72। ठीक है, इस तरह से बंगाल में चार गवर्नरों को हम यहां तक पढ़ते हैं। ये 70 कर लीजिए इसको, ये 70 है। ठीक, तो इस तरह से इन चार गवर्नरों को पढ़ते हैं हम। और ये गवर्नर आए, ये फिर बाद में क्या काम किए, कौन कौन सी इनकी उपलब्धि रही, इन सारी चीजों को जब हम गवर्नर जनरल और गवर्नरों के बारे में एक अलग से जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से इसको बहुत डीप में पढ़ेंगे। इस तरह से अब क्या होता है कि फाइनली बंगाल जो है वो 100% अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया, क्योंकि 1772 में जब वॉरेन हेस्टिंग्स खत्म करता है इस व्यवस्था को, ड्यूअल शासन को, तो सीधे सीधे नवाब का पद ही खत्म कर देता है। इसके बाद जो पूरा पूरी जो शासन व्यवस्था है वो अंग्रेजों के हिसाब से ही चलती है, अंग्रेज जैसा चाहते हैं वैसा फिर शासन करते हैं, और यहां से उद्भव होता है अंग्रेजों के पूर्ण शासन का किसी भी स्थान पर। ठीक है, तो इस तरह से बंगाल को अब अंग्रेज पूर्ण रूप से जीत चुके, और इस तरह से बंगाल वाला जो टॉपिक था हमारा ये क्लोज होता है। अब अगली क्लास में हम फिर से किसी जगह को लेंगे और अंग्रेजों ने किस प्रकार उसको जीता उस बारे में फिर आगे चर्चा करेंगे। इस क्लास में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों को कहीं पे दिक्कत होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को बहुत ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।